जब हमने हमारे राज्य टर्नोपिल से बॉर्डर की तरफ आए तो हमने बीच में तीन राज्य क्रॉस किए और तीनों राज्यों में हमें बिना चेकिंग के सिर्फ हमारी गाड़ी के ऊपर भारत का झंडा था ये देखकर हमें जाने दिया। यहाँ पे बॉर्डर पर भी जितनी भी आर्मी है और जितने भी लोग हैं वो इंडियन लोगों को जो एक अलग रेस्पेक्ट और एक अलग जो ऑनर दे रहे हैं वो आज हमारे लिए सही में प्राउड मूवमेंट है। ये हमें शो करता है कि क्या हमारा आज भारत की वर्ल्ड में वैल्यू है। आई एम प्राउड इंडियन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं है। तो आप बताएं कि क्या कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हुए। हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियन है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, जैसे देख रहे हैं मेरी बहन को पाकिस्तानी होने के पे गर्व नहीं महसूस हो रहा। इंडियन फ्लैग लगा करके वो निकल गए हैं और वहाँ पे लोकेशन पे पहुँच गए करीब। इनफैक्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट की फिगर थी, 25-26 कुछ ऐसी फिगर थी कि बच्चे वहां पहुंच गए, उनको तो आज ही निकाल दिया जाए। तो दोस्तों, आपने तो ये देखी छोटी छोटी क्लिप, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूक्रेन में आपको पता होगा पाकिस्तान के भी स्टूडेंट फंसे हुए हैं और उनकी मदद के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अभी कोई भी कदम नहीं उठाया है, लेकिन पाकिस्तानी जो स्टूडेंट है वो कर क्या रहे हैं, वो इंडियन फ्लैग अपनी गाड़ी के आगे लगा कर सेफ जगह पर पहुंच रहे हैं। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो। क्वेश्चन ये है कि वहां पर अभी सीज फायर हुई थी, सीज फायर क्या हुई थी, रशिया ने अटैक करना बंद कर दिया था और टॉक्स की बात की थी, लेकिन वो अटैक फिर से रिज्यूम कर दिया है। तो वहां से स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने के लिए हमारा ऑपरेशन गंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टार्ट हो गया। वहां से दो फ्लाइट्स इंडिया, एक फ्लाइट लैंड कर चुकी है, एक फ्लाइट और जल्दी कल सुबह लैंड कर जाएगी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारी एम्बेसी ने वहां पर उनके पास बस भेजी है, बस से वो वापस बॉर्डर पे लाए जा रहे हैं और बॉर्डर से फिर वो नेबरिंग कंट्रीज में ले जाके रोमेनिया हो, पोलैंड हो, वहां से उनको फ्लाई कराया जा रहा है। यहाँ से प्लेन लगे हैं, एयरक्राफ्ट लगे हैं इस काम में। पीयूष गोयल खुद वहां मौजूद थे, हमारे मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, जब हमारे स्टूडेंट्स पहुंचे थे पीयूष गोयल खुद वहां मौजूद थे। इसमें आई थिंक 250 से ज्यादा अभी आ चुके हैं, 250 कल सुबह आ जाने चाहिए सेकेंड फ्लाइट और उसके बाद और फ्लाइट्स आएंगी। काम चल रहा है और सिचुएशन खराब है, और खास तौर से ये सिचुएशन इतनी जल्दी अभी ठीक होती नहीं दिख रही है जिस हिसाब से हमें पता लग रहा है। एक वार्निंग स्वीडन को और फिनलैंड को भी दे दी है रशिया ने कि अगर आपने नेटो ज्वाइन करने की कोशिश की तो हम भी आप पर अटैक कर देंगे, हम आप पर भी अटैक कर देंगे। तो ये सीरियस इशू है। जब वो दूसरे और तीसरे कंट्री को अटैक करने की सोच रहा है, इसका मतलब वो पहले को तो नहीं छोड़ेगा, पहली ये बहुत क्लियर है। ये वॉर अभी जल्दी खत्म होती है हमें नहीं दिख रही। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी कंट्री छोड़ने से मना कर दिया है, वो खुद भी तैयार खड़े हैं। इसका मतलब ये है कि ऑन द स्ट्रीट्स जो फाइट है वो और बड़ी निकलेगी। वहां पे वो लोग भी तैयार हैं, अभी मिलिट्री इक्विपमेंट वहां पे जा रहा है, ले जाया जा रहा है। ये भी अभी मैं थोड़ी देर पहले कहीं पढ़ रहा था कि फर्दर मोर मिलिट्री इक्विपमेंट उधर भेजा जा रहा है यूक्रेन में। कुल मिला के सिचुएशन ये है कि हमारे बच्चे वहां से निकल जाएं। मैंने देखा पाकिस्तानी बच्चे भी वहां पे फंसे हैं और वहां पे इनफैक्ट पाकिस्तानी बच्चे कॉन्टैक्ट किसे करें, वहां तो एम्बेसी छोड़ के भागे हुए हैं वो लोग, किसी और सिटी में उन्होंने एम्बेसी ली। और खबर ये भी है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि आप बच्चों को बोल दिया कि आप अपने आप पहुंच जाइए वहां पे, जहां पे पोलैंड के बॉर्डर पे जहां पे एम्बेसी इन्होंने खोली है वहां तक अपने आप पहुंच जाइए, उसके बाद हम देख लेंगे। तो कुछ बच्चों ने किया क्या है कि वो अपनी गाड़ी के आगे इंडियन फ्लैग लगा करके वो निकल गए हैं और वहां पे लोकेशन पे पहुंच गए हैं करीब। इनफैक्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट की फिगर थी, 25-26 कुछ ऐसी फिगर थी कि बच्चे वहां पहुंच गए, उनको तो आज ही निकाल दिया जाएगा। जहां तक बात इंडिया की साइड की, इंडियन फ्लैग क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुतिन से जब बात की थी तो पुतिन ने एश्योरेंस दिया था कि कोई भी इंडियन फ्लैग लेकर के आ रहा है तो हम उसको, हमारी आर्मी उसको हेल्प करेगी कंट्री से बाहर निकलने में। पाकिस्तान का कोई ऐसा, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वहां दो दिन रहे थे, पता नहीं बिरयानी बिरयानी खा के आ गए, लेकिन ऐसा कोई एश्योरेंस पाकिस्तान को नहीं मिला था, इंडिया को मिल गया था। तो इसलिए वो इंडियन फ्लैग लगा के गए थे बच्चे, ये खबर है। और इस खबर को पाकिस्तान तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जो बच्चे फ्लैग लगा के गए थे वो भी शायद मेरे हिसाब से अगर कोई बहुत ही ऑनेस्ट हो तो बोल दे, अदरवाइज वो पाकिस्तान में रहकर वो भी नहीं बोलेंगे। बट खबर है और इसका वीडियो भी आ जाना चाहिए जल्दी सामने। लेकिन जो अभी सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, बच्चे अभी बहुत सारे फंसे हुए हैं, कुछ बच्चे तो बंकर्स में हैं, कुछ मेट्रो स्टेशन के अंदर हैं, और वॉर अभी फाइटिंग अभी बढ़ने की उम्मीद है। तो बच्चे जल्दी से जल्दी आ जाएं तो बेटर है।
गवर्नमेंट हमारी तो बिल्कुल फुल फ्लेजेड लगी हुई है, यहाँ से प्लेन कॉन्स्टेंटली जा रहे हैं। एक प्लेन मैंने देखा जो कि मतलब एक फ्लाइट ट्रैकर एक वेबसाइट है, आप उस पर देख सकते हैं कौन सा प्लेन कहाँ जा रहा है। हालांकि किसी आम आदमी के लिए समझ, फ्लाइट ट्रैकर 24 वो है, उस पर आप देख सकते हैं। हालांकि किसी आम आदमी के लिए समझना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतने सारे प्लेन इकट्ठे दिख रहे होते हैं, उसको अगर 1 महीने तक स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा प्लेन कहाँ जा रहा है। तो उसमें दिख रहा था कि इंडियन एयर इंडिया का प्लेन जाता हुआ दिख रहा था उसमें। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो इस समय भी आपको जाता हुआ मिल जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ऐसे प्लेन जा रहे हैं यूक्रेन की ओर। और इसी वेबसाइट से ये ट्रैक हो रहा है कि यूक्रेन कितने प्लेन जा रहे हैं वेस्टर्न यूरोप से, ब्रिटेन से या दूसरे कंट्रीज से। लेकिन इन सारे जो सिचुएशन है उसका, जो जिस तरह से वॉर स्टार्ट हुई है और टेंशन बढ़ती जा रही है, बहुत से आई थिंक 198 के करीब लोगों को बताया जा रहा है जो अभी तक मारे जा चुके हैं दोनों साइड से, तो आपको क्या लग रहा है कि बाकी दुनिया में, बाकी जो कंट्रीज हैं उनमें क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या टेंशन क्रिएट हो सकती है स्पेशली यूरोपियन साइड पे? टेंशन तो क्रिएट होगी, नो डाउट अबाउट इट। एक तो वर्ल्ड डिस्टेबलाइज होती है इससे, दूसरी चीज अमेरिकन कैंप में प्रॉब्लम दिखेगी हमें। ये भी दिखेगा कि कैसे अमेरिकन कैंप से, जो अमेरिकन कैंप में लोग हैं या कंट्रीज हैं, उनको कैसे कोई दूसरा कंट्री हमला कर देता है, और वो अकेले लड़ते हैं एक इतनी बड़ी सुपर पावर से। ये एक सीरियस इशू है। और अभी फिनलैंड और स्वीडन को जो वार्निंग दी थी, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड, स्वीडन ने, दोनों ने उस वार्निंग को मानने से मना कर दिया है। हम देख सकते हैं कि कहीं एस्केलेशन और ना हो, दो और कंट्रीज इसके निशाने पे ना आ जाएं। जिस वार्निंग को सीरियसली लिया जाना चाहिए, और ये बहुत बड़ी चीज है। अगर एक पर हमला कर रखा है और दो को वार्निंग दी है, तो रशिया इज बिकमिंग ए ग्लोबल थ्रेट, एंड रशिया चाइना अलायंस इज इवन बिगर थ्रेट। हम लोग देख रहे हैं जैसे एंटेंट का मामला था या एक्सेस पावर्स का मामला था, कुछ वैसे हमें दिख रहा है, और इट इज गोइंग टू बी अ सीरियस इशू नाउ। और इकोनॉमी पे कहाँ तक असर पड़ेगा? क्योंकि पाकिस्तान में तो ये कहा जा रहा है कि जी क्योंकि ये वॉर स्टार्ट हो चुकी है और रशिया और यूक्रेन जाहिर है इसमें इन्वॉल्व है, तो एक तरह से जो है वो डॉलर रेट भी बताया जा रहा है कि जी वो और ऊपर चला जाएगा, महंगाई भी और हो जाएगी, कई चीजों में प्रॉब्लम आएगी, जिसमें कि अगर कोई चीज कोई रशिया से लेता है, चाहे वो ऑयल हो या गैस हो या वॉट एवर, तो उस सब चीजों में रोक लग जाएगी। और क्या इस तरह की भी कोई सिचुएशन हम देखने जा रहे हैं? रशिया जो है वो एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है। जब 2014 में रशिया ने क्रेमिया को एनेक्स किया था, उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका ने सऊदी अरेबिया, अमेरिका अमेरिका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल रशिया, और सऊदी अरेबिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी और गैस बेस्ड इकोनॉमी को तोड़ने का एक तरीका अमेरिका ने यह निकाला था कि अपनी तरफ से ओवर प्रोडक्शन की, सऊदी अरेबिया से ओवर प्रोडक्शन कराई। और उसी टाइम पे हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस गिर के $30 के आसपास पहुंच गई थी। अगर ये इन्होंने दोबारा किया, वैसे तो सैंक्शंस लगाते जा रहे हैं, अगर ये इन्होंने दोबारा किया तो रशिया के पास सिचुएशन तो बहुत खराब हो जाएगी। अभी तक जो खबर है, उन्होंने करीब 700 to 900 बिलियन डॉलर्स अपने जो फॉरेन बैंक्स में थे उसको विड्रॉ किया है पिछले 7 महीने में। सो दैट मींस दे वर प्लानिंग फॉर दिस वॉर। 700 बिलियन डॉलर्स ज्यादा दिन चल नहीं पाएंगे। तेल उनके पास है, लेकिन बाकी सब कुछ वो इम्पोर्ट करते हैं, खाना तक इम्पोर्ट करते हैं। तो देखते हैं कितने लेकिन दिन चल पाएगा। बहुत सैंक्शंस तो लगा रहा है अमेरिका, लेकिन इस वक्त अमेरिका जो है वो बहुत कमजोर नजर आ। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा पाकिस्तान के मीडिया में ये खबर ऑब्वियसली नहीं दिखाई जाएगी मेन स्ट्रीम मीडिया में, कि पाकिस्तानी स्टूडेंट इंडियन तिरंगा झंडा लेकर सेफ हो रहे हैं इस वॉर में, क्योंकि इंडियन पीएम को अश्योर कराया गया है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के द्वारा कि जो भी इंडियन स्टूडेंट हैं वहाँ पर उनके ऊपर कोई भी अटैक नहीं होगा, इवन उनको रशियन आर्मी सेफ करके सुरक्षित स्थान में ले जाएगी। तो इंडिया के तो बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, आपने देखा होगा स्टूडेंट स्टूडेंट वहाँ पर है, तो वो वीडियो जो आपने देखे होंगे, कई वीडियो में तो आपने देखा होगा कि इंडियन स्टूडेंट काफ़ी बुरी हालत में है, कई लोगों को पीटा भी जा रहा है। अब ये कंफर्म नहीं है कि वो रशियन आर्मी पीट रही है, कि यूक्रेन की आर्मी पीट रही है, कि पोलैंड की आर्मी, जो नेबरिंग कंट्री की आर्मी पीट रही है, कुछ भी अभी कन्फर्म नहीं है। लेकिन ये कन्फर्म है कि इंडियन
गवर्नमेंट ने स्टूडेंट को भारत में लाना शुरू कर दिया है, और एकदम से तो आ नहीं जाएंगे, टाइम लगेगा, स्टार्ट हो गए तो कुछ ही दिन में सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट बेचारे, अब स्टूडेंट हैं तो वो फंस गए, तो इस वजह से पाकिस्तानी स्टूडेंट का भी आपने रिएक्शन देखा कि वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक ताना दे रहा है, इंडियन गवर्नमेंट लाना शुरू कर दिया है, आप कब लाएंगे। दोस्तों तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।